Press the bell icon of the Epaathshaala channel and never miss another update. So now welcome back your student and this is your Vijay here. दोस्तों ये वीडियो का सेकंड पार्ट है. इससे पहले आपने वीडियो का पहला पार्ट समझा था और आपने देखने की कोशिश करी थी कि कैसे लास्ट टाइम पे जो आपका वॉर हुआ था, फर्स्ट गल्फ वॉर जैसे आप बोलते हैं, उसके लिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया गया था और अमेरिका ने उस वॉर की वजह से बहुत तगड़ा पैसा भी कमाया था. उस टाइम पे आप देख सकते हैं जॉर्ज एस डब्ल्यू बुश, जो हमारे देश के नहीं यूएसए के राष्ट्रपति थे, और उस टाइम पे आपको पता है कि अगर वर्ल्ड नेशन के अंदर, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के अंदर कोई देश अगर इतने बड़े वॉर को जीत रहा है तो सही मायने में उसको कहीं ना कहीं वाहवाही मिलनी चाहिए, जैसे हमारे देश के अंदर हमारे देश के अंदर से मोदी जी को मिली थी सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे इलेक्शन के अंदर. लेकिन दोस्तों हमारे देश की पॉलिटिक्स और यूएस की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है. वहाँ की जनता और यहाँ की जनता में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है. इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद भी यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज एस डब्ल्यू बुश देश का युद्ध तो जीत जाते हैं लेकिन खुद का युद्ध हार जाते हैं, मतलब खुद का इलेक्शन हार जाते हैं. उसका सिंपल सा एक कारण ये था कि क्लिंटन का युग चालू होता है जिसे आप क्लिंटन ईयर के नाम से भी जानते हैं. आप समझते हैं बिल क्लिंटन के बारे में. दोस्तों बिल क्लिंटन जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट. उनका पूरा नाम बिल क्लिंटन था और उन्होंने दोस्तों जनवरी 1993 के अंदर पूरी तरीके से अपनी सीट पे आते हैं और लगभग 2001 तक अपनी सत्ता पे रहते हैं. बीच में भी इनकी पकड़ छूटी थी लेकिन बाद में फिर दोबारा ये आ गए थे सत्ता में. दोस्तों उन्होंने जॉर्ज एस डब्ल्यू बुश को हराया था इलेक्शन के अंदर. क्यों? क्योंकि जस्ट 1992 के अंदर दिसंबर के लास्ट में इलेक्शन होने थे. अब दोस्तों ये जो वॉर हुआ था, इस वॉर की वजह से क्लिंटन को फायदा हो गया. क्यों? क्योंकि जॉर्ज एस डब्ल्यू बुश के ऊपर कहीं ना कहीं इलीगली एलिगेशन लगे कि यूएसए हैज़ हैड विड्रॉल इट्स इंटरनल अफेयर्स एंड इट वॉज नॉट फुली इंगेज इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. अब यहाँ पे उनके ऊपर सिंपल सा एक ये लांछन लगा कि सही मायने में जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है अपने इंटरनल अफेयर के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं. मतलब आसान भाषा में समझे तो हम ये समझ पा रहे हैं कि उनके जो देश के अंदरूनी फैसले थे, देश की अंदरूनी पॉलिटिक्स थी, वो उस पर भी काम नहीं कर रहे थे और साथ में जो पॉलिटिक्स के हिसाब से नेशंस को आगे लेके जाना था उस पर भी काम नहीं कर रहे थे. जैसे कि यहाँ पे क्लिंटन सरकार ने नरम मुद्दों के ऊपर फोकस करा, सॉफ्ट इश्यूज़, ऐसे इश्यूज़ जो डायरेक्टली जनता से कनेक्टेड हों उनके ऊपर काम करना चाहिए, नेशन की ग्रोथ के ऊपर बात करनी चाहिए, जो उस टाइम पे बिल क्लिंटन ने नहीं करी थी. और ये नॉर्मल जनता इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ पाई थी दोस्तों. तो इस तरीके से हम बोल पाएंगे कि बिल क्लिंटन ने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी अपनाई और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी अपनाने के बाद बिल क्लिंटन ने उस टाइम पे डेमोक्रेसी के प्रचार की बात करी. उन्होंने कहा कि हमें उन नेशंस तक डेमोक्रेसी को लेके जाना चाहिए जिन नेशन में आज भी डेमोक्रेसी नहीं है. तो इस तरीके से आपको क्या पता चलता है, इस तरीके से आपको ये पता चलता है कि सही मायने में यूएस एक ऐसा देश था जिसने डेमोक्रेसी के प्रचार के लिए हाथ उठाया और साथ में उन नेशन का सपोर्ट देने की कोशिश करी जहां पे डेमोक्रेसी नहीं थी. तो इस तरीके से बिल क्लिंटन लोग नज़रों में एक हीरो बन गए और साथ में उन्होंने क्लाइमेट चेंज, जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं उसके ऊपर फोकस करा और उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर ज़्यादा फोकस करा, ना ही कि मिलिट्री पावर्स एंड सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि यूएसए वैसे ही इतना ज़्यादा एडवांस है इन चीज़ों के अंदर. लेकिन दोस्तों क्योंकि चैप्टर का नाम यूएस हेजमनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स है तो सिंपल सी बात है बिल क्लिंटन क्या, उनके बाद भी जो लोग आएंगे उनके टाइम पीरियड पे भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती रहेंगी जो सही मायने में दोस्तों अमेरिका को अपनी पावर को दिखाना ही पड़ेगा. तो बिल क्लिंटन के टाइम पे दो चीज़ें हुई थी, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं. नंबर वन, अब यहाँ पे कोसोवा एक प्रांत है, कोसोवा एक नाम है जहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे अल्बेनिया करके एक कम्युनिटी है जो सबसे ज़्यादा रहती है.
यूरोप की कंट्री है जिसे आप युगोस्लाविया के नाम से जानते हैं। अगर आपको याद हो तो युगोस्लाविया के अंदर हमारा बेलग्रेड था, जिसमें हमने पूरी तरीके से, जो बेलग्रेड उसकी कैपिटल है, वहाँ पे हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले प्रथम गुटनिरपेक्ष जो हमारी बैठक हुई थी, या मैं बोल सकता हूँ उसका जो इनिशिएट हुआ था, इसकी जो शुरुआत हुई थी, वो युगोस्लाविया की कैपिटल के अंदर ही हुई थी, बेलग्रेड के अंदर। लेकिन युगोस्लाविया के अंदर एक कोसोवा एक प्रोविज़न है, एक ऐसा प्रोविज़न है जिसमें कोसोवा के अंदर ज़्यादातर अल्बेनिया पॉपुलेशन रहती है, और एट प्रेजेंट टाइम 2011 के हिसाब से, ये 2011 के आंकड़े हैं, 2020 के आंकड़े आए नहीं हैं क्योंकि 2021 में नए आंकड़े आने हैं। अब दोस्तों उस आंकड़ों के हिसाब से लगभग आप देख सकते हैं कि इतनी पॉपुलेशन जो थी अल्बेनिया की कोसोवा प्रांत के अंदर रहती थी। अब यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि उसकी टोटल पॉपुलेशन में से इतनी पॉपुलेशन अगर अल्बेनिया रहती है कोसोवा प्रांत के अंदर, तो कोसोवा चाहता था कि वो पूरी तरीके से युगोस्लाविया से अलग हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोसोवा प्रांत के अलावा और नेशन भी युगोस्लाविया से पहले ही आज़ाद हो गए थे, लेकिन यहाँ पे युगोस्लाविया छोटे देश के ऊपर कंट्रोल कर रहा था, तो इसीलिए बिल क्लिंटन ने फिर दोबारा अपनी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हुए कोसोवा को कहीं ना कहीं मदद देने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है बिल क्लिंटन ने कहा था कि वो डेमोक्रेसी के प्रमोशन की बात करेंगे, डेमोक्रेसी के प्रचार की बात करेंगे, और कोसोवा प्रांत के अंदर वो डेमोक्रेसी को लाना चाहते थे और कोसोवा प्रांत के अंदर डेमोक्रेसी वो देखना चाहते थे। तो सरल और आसान भाषा में समझने का मतलब ये है कि अमेरिका ने किसका साथ लिया दोस्तों? नाटो का साथ लिया। नाटो कौन है? नाटो ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अमेरिका ने 1949 के अंदर बनाया था, और आपको पता है कि जहां नाटो वहां अमेरिका और जहां अमेरिका वहां नाटो, तो यहां पे अमेरिका ने नाटो का साथ लिया और साथ में उन्होंने पूरी तरीके से युगोस्लाविया के अंदर बॉम्बिंग करी। आप देख सकते 78 डेज तक बम चलाते रहे, लगभग 2 महीने तक बमबारी हुई युगोस्लाविया के अंदर, और वो चाहते थे नाटो के लोग युगोस्लाविया की कुछ कंट्रियाँ, मतलब कोसोवा प्रांत के जो लिबरेशन लोग थे वो चाहते थे आज़ादी, तो उन सभी लोगों ने पूरी तरीके से कोसोवा की सरकार को हराने की कोशिश करी। तो कोसोवा की गवर्नमेंट को डाउनफॉल करा गया, कोसोवा की गवर्नमेंट जिसे आप स्लो, मैं इसे बोला नहीं जा रहा है, आप इसे पढ़ सकते हैं, उनकी गवर्नमेंट का नाम है, थोड़े से अजीब नाम होते हैं इनके, तो उनके प्रीमियर जो राष्ट्रपति या प्रधान मुखिया जो भी होंगे उनको हटाने की कोशिश करी गई। और फाइनली दोस्तों कोसोवा प्रांत, अगर आप देखें कि युगोस्लाविया से तो वैसे भी बहुत सारी कंट्रियां निकलने की कोशिश कर रही थी 1989 के बाद, क्योंकि उस समय आपको पता है कि USSR भी ख़त्म हो चुका था, तो इसकी वजह से कोसोवा प्रांत भी आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था, और उसने आप देख सकते हैं 2008 के अंदर कोसोवा प्रांत को आज़ादी मिल गई थी। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे भी अमेरिका ने अपनी हिजमनी, अपना वर्चस्व, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करी। अब यहाँ पे बिल क्लिंटन के टाइम पे एक ही ऐसा चीज़ नहीं था, लेकिन एक और कांड हो गया इसके बीतने के तुरंत बाद। वो कांड ये हुआ कि 1998 के अंदर US की एम्बेसी क्या होती है दोस्तों? एम्बेसी होती है दूतावास। आप अगर यहाँ से अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका के अंदर आपको सपोर्ट करने के लिए भी इंडियन एम्बेसी होगी। ऐसे ही हर नेशंस की एम्बेसियाँ होती है हर नेशन के अंदर, जिन जिन नेशन से हमारा इको फ्रेंडली है। मान लीजिए कि अगर आप इंडिया के अंदर रहते हैं तो आप ये देखेंगे कि इंडिया के अंदर भी बहुत सारे क्या कहते हैं एम्बेसियाँ हैं, जर्मन एम्बेसी है, सऊदी अरब एम्बेसी है, बहुत सारी एम्बेसियाँ हमारे यहाँ देश में मिलेंगी आपको। वो इसलिए होती है कि अगर इनकी कंट्री के लोग इंडिया में आके रहते हैं तो अगर उन लोगों को सपोर्ट चाहिए तो वो अपनी एम्बेसी सपोर्ट ले सकते हैं। ऐसे ही बिल क्लिंटन या अमेरिका की जो एम्बेसियाँ थी वो केनिया और तंजानिया के अंदर दो जगह है, केनिया के अंदर नैरोबी जगह है और तंजानिया के अंदर दरुसलाम एक जगह है। दोस्तों ये दोनों ऐसी जगह है जो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के अंदर है। अफ्रीका की कंट्री में से दो कंट्रियाँ केनिया और तंजानिया आती है। बिल क्लिंटन के टाइम पीरियड पे इन दोनों एम्बेसियों के ऊपर अटैक हो जाता है। अटैक होने का मतलब आप देख सकते हैं लगभग 7 अगस्त 1998 के ऊपर ही अटैक हुआ था। आज से मैं बोल सकता हूँ 25 साल 21 साल पहले हुआ था अटैक, और दोस्तों लगभग 10:30 से 10:40 के बीच में अटैक हुआ था, और टारगेट था US एम्बेसी का,
और उस समय पे एक ट्रक को वहाँ पे एम्बेसियों के पास ले जाके फोड़ा गया था और लगभग 4000 से भी ज़्यादा उस समय पे मैं बोल सकता हूँ लोग मारे गए, इंजर्ड हो गए। तो अमेरिका को इस चीज़ का खौफ हो गया कि कैसे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के अंदर कौन इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया कि वो हमारे मतलब वर्चस्व को, हमारी ताकत को एक चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो उस समय पे ऐसा बोला जाता था कि अलकायदा और इजिप्शियन के कुछ इस्लामिक जिहादी लोग हैं जो इसके पीछे हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उनकी जो मतलब एक सुपर नेशन होने की वजह से उनकी इंटेलिजेंस ही बहुत तेज होते हैं, है ना, इंटेलिजेंट ब्यूरोक्रेट्स बहुत तेज होते हैं। तो इसकी वजह से उन्होंने बताया कि कुछ अलकायदा और इजिप्शियन की इस्लामिक कंट्री हैं जिसके पीछे इनका हाथ है या हाथ हो सकता है। इसलिए फाइनली अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया जिसे आप ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच बोलते हैं। दोस्तों ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे कि ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, अफ्रीकन इराकी फ्रीडम, ऐसे ये नेशंस कौन थे, किसने चलाए, किस राष्ट्रपति ने चलाए, किस टाइम पीरियड पे हुए थे, आपको टिप्स पे याद रखने पड़ेंगे। तो ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच चलाया गया और फाइनली दोस्तों उस समय पे आप देख सकते हैं यूएस अमेरिका ने या यूएस एम्बेसी ने या यूएस की मिलिट्री ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच चलाने के बाद सूडान, अफगान में अलकायदा आतंकवादी ठिकानों को क्रूज मिसाइलों से अटैक करा गया। तो आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन ने अलकायदा को, सूडान के कुछ इलाकों को, उल मुजाहिदीन को, लश्करे तैयब को, इन सभी लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में मैं बोल सकता हूँ कैजुअल्टीज़ दी और उनके साथ उनका सीनियर जो मटेरियल डैमेज था बहुत तगड़ा हुआ। इससे एक चीज़ तो क्लियर कट सामने आती है कि मान लीजिए कि अगर क्या कहते हैं कोसोवो प्रांत के अंदर अटैक हुआ था तो वहाँ पे यूएन चाहता तो मदद कर सकता था, लेकिन यूएन ने मदद नहीं करी और यूएसए ने अपनी पावर का, नेशन का इस्तेमाल करते हुए मतलब अटैक कर दिया, जबकि उस समय यूएन आ सकता था। और साथ में अभी यही कहानी यहाँ पे हुई कि जब एम्बेसियों की, उनकी एम्बेसियों के ऊपर अटैक हुआ तो दोबारा से यूएन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मैं बोल सकता हूँ सूडान या अफगानिस्तान के ठिकानों पर अटैक कर दिया। तो इस समय यूएन चाहता तो कोशिश कर सकता था कि यूएसए से रिपोर्ट मांगे और ये पूछे कि आप किससे पूछ के ये अटैक कर रहे हैं, जबकि यूएन ने जब इसका जवाब मांगा तो यूएस ने सिर्फ एक छोटा सा बहाना ये बताया कि यूएसए ने अटैक इसलिए करा था सूडान पे या अफगानिस्तान पे कि उनके पास इतनी बड़ी मात्रा के अंदर वेपन्स थे जो पूरे नेशन को ख़त्म कर सकते थे। और जबकि इसका नेगेटिव पॉइंट ये देखा जा सकता है कि अगर मान लीजिए कि आप किसी भी आप आतंकवादी ठिकाने के ऊपर अटैक कर रहे हैं और अगर आप क्रूज मिसाइलों से अटैक कर रहे हैं, दोस्तों ये क्रूज मिसाइलें वही थी जो उस समय पर आप देख सकते हैं कि ये आपके जापान के अंदर जो हिरोशिमा और नागासाकी है वहाँ पे अटैक करी गई थी। तो अगर कहीं पे भी इसका एक्सप्लोजन होता है तो आसपास के जो बेचारे निहत्ते या बेगुनाह या जो निर्दोष लोग हैं वो भी मारे जा रहे हैं। मतलब अमेरिका ने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अमेरिका ने सिर्फ अपने क्या कहते हैं पावर को दिखाने के लिए अटैक करा, ये भी कहीं ना कहीं इनलीगल रिपोर्ट्स में या लीगल रिपोर्ट्स में सामने आता है। तो दोस्तों अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं, ये मेरा मत नहीं है, ये किताबों के अंदर बताया जाता है ऐसा। तो अगर आपको ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म पढ़ना है तो आप सिंपल शब्दों में तीन चीज़ पढ़ सकते हैं कि ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, मतलब व्हाट इज ऑपरेशन, व्हाट इज जो भी ऑपरेशन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ये ऑपरेशन हो रहा है तो ये क्या है, साथ में इसके मैं बोल सकता हूँ मतलब ये क्यों चलाया गया ऑपरेशन, और साथ में इसके कंक्लूजन क्या निकल के आते हैं, दैट मीन्स क्या परिणाम निकल के आते हैं या क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आते हैं अगर आप कोई भी ऑपरेशन पढ़ रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप काफ़ी हद तक समझ पाएंगे। तो अभी हमने दो मेन लीडर्स की बात कर ली है, आपके पहले हमारे जो थे जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश, उसके बाद क्लिंटन का टाइम पीरियड। दोस्तों इसके बाद क्लिंटन के बाद भी आप देख सकते हैं नए राष्ट्रपति आएंगे और उनके टाइम पीरियड पे भी इतना मोस्ट पावर टेरर होता है जो सही मायने में उसने पूरे हिस्ट्री को, पूरी पॉलिटिक्स को और अमेरिका को चैलेंज कर दिया उनकी पावर को। तो मिलते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट में जल्द ही। आई होप यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस पार्ट एंड लेट्स मीट इन द फाइनल पार्ट ऑफ दिस
चैप्टर और उसके बाद हम देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को. सो दिस इज इट इन दिस वीडियो. तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे. क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया. तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.